पिछले दिनों पूर्णिया के रामबाग में आए कोरोना पॉजिटिव मुन्ना के रिपोर्ट आने के बाद से जहां पुलिस व पूर्णिया सहमे हुए हैं, वहीं हर तरफ चाक चौबंद मजबूत कर दी गई व लॉकडाउन का पालन की ओर सख्ती से कदम उठाए जा रहे हैं। और सभी चाक चौराहे पर जिस वक्त, ये कल ही की तस्वीर है जब कोरोना पॉजिटिव मुन्ना को पाया गया, उसी समय पूर्णिया पुलिस जो जहां भी हैं, जिस चौक चौराहे पर हैं, उसी पर कड़ी से कड़ी और सख्त से सख्त तरीके से हर आने जाने वाली गाड़ियों को रोके जाने लगे। अब हम बात करेंगे संध्या की तस्वीर। ये रामबाग से महज 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाला क्षेत्र पूर्णिया लाइन बाजार के छोटी मस्जिद के आसपास की तस्वीरें हैं, जहां प्रतिदिन रोजा को लेकर के सामने में लॉकडाउन के साथ बहुत सारे लोग रोजा खोलते थे, एक साथ नहीं लॉकडाउन को पालन करते हुए रोजा खोलते थे और बहुत सारे रेड़ियां और फुटपाथ वाले होते थे। ये मस्जिद की तस्वीरें हैं। मस्जिद के सामने में मात्र एक दुकान है, इससे पहले अधिक दुकानें थी, लेकिन यहाँ 30-30 फुट की, 3 फुट या 2 फुट नहीं, 30-30 फुट की दूरी पर इक्के दुक्के दुकानदार रह गए हैं और सन्नाटा पसर गया है। कहीं ना कहीं रामबाग में इस कोरोना पॉजिटिव को लेकर लोग सहमे हुए हैं और लोग भाग खड़े हो रहे हैं। अच्छा, आप बताना चाहेंगे कि मस्जिद में सिर्फ इमाम साहब ही नमाज़ पढ़ते होंगे या फिर और भी लोग हैं? बस सिर्फ इमाम साहब? हाँ, बंद है। आप जो अभी इफ्तार कर रहे हैं, फिर आप नमाज़ कैसे पढ़िएगा? नमाज़ यहाँ पे बाहर में। अच्छा, यहाँ बाहर में अकेले पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ बहुत सारे और लोग रोजादार देख रहे हैं कि रोजा खोल रहे हैं, लेकिन सब लोग अलग अलग बैठे हैं, वहाँ भी बैठे हैं, उधर भी दो लोग अलग अलग दूरी बना के। तो आप लोग प्रतिदिन इसी तरह से रोजा खोल रहे हैं, एक दूसरे के बगल में जैसे बैठना, वो अब नहीं हो रहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि लॉकडाउन से प्रशासन आते जाते हैं ना जी, कहीं ना कहीं आपका योगदान बहुत अच्छा है। अपना नाम लेना चाहेंगे, परिचय देना चाहेंगे? हाँ, आजाद नाम। आजाद नाम, घर कहाँ हुआ आपका? अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज़ाद को सुना किस प्रकार से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। और यहाँ आप देखिए तस्वीर, ये मस्जिद के मुख्य द्वार पर पोस्टर चिपकाए गए हैं कि छोटी मस्जिद बाजार पूर्णिया में नमाज अदायगी लॉकडाउन के बाद की जाएगी। सरकार का वक्त है और हम इस वक्त लाइन बाजार छोटी मस्जिद, जहाँ पिछले साल की बात करेंगे तो लोगों का काफ़ी भीड़ भाड़ रहा है और मस्जिद में भी जमात की भीड़ रही है और लोग इफ्तार कर रहे होंगे, लेकिन ये वक्त बदल चुका है। ये कोरोना महामारी के कारण लोगों का विचार भी बदल चुका है और लोग पहले की अपेक्षा अब अपनी अपनी आदतों में और अपने जीने खाने की सिस्टम में सब कुछ में बदलाव हो रहा है। वहीं रमज़ान में आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये गेट पूर्णतः बंद है, ये मुख्य द्वार है लाइन बाजार के छोटी मस्जिद की, ये मुख्य द्वार है। यहाँ से इमाम साहब हैं और अंदर से ताला लगा पड़ा है, सिर्फ इमाम साहब अजान देकर नमाज पढ़ रहे हैं और उन्होंने अफ्तारी कर लिए होंगे और इसके बाद नमाज पढ़ रहे होंगे। ये गेट पूर्णतः लोग हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी आवाजाही यहाँ नहीं है। और जो कुछ लोग नज़र आ रहे हैं छिटे में, एक दो लोग नज़र आ रहे हैं जो यहाँ सामने में दुकान है और देखिए कि ये अभी अकेले ही इफ्तार किए, और दूसरे लोग हैं यहाँ महज 30 फुट की दूरी पर, इनका भी बिस्किट और दातुन वगैरह अंडा वगैरह रखे हैं, लेकिन इनकी भी दूरी उनसे 30 फुट की है और इन्होंने भी बिल्कुल, आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, ये भी बिल्कुल अफ्तार अलग कर रहे हैं। और भी जितने लोग हम दूर दूर की तस्वीरों में हम दिखाना चाहेंगे, हमने पहले दिखाई। तस्वीरें साफ है, दूर दूर तक नज़र आ रहे हैं नहीं रहे हैं लोग, और ना ही उनकी गाड़ियां, ना रेड़ियां, ना दुकानें, इक्के दुक्के दुकानें। ये अफ्तार का वक्त है लेकिन लोग फिर भी भागे जा रहे हैं। ये छोटी मस्जिद यहां का मशहूर मस्जिद है और मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में होने के कारण यहां अक्सर लॉकडाउन से पहले भीड़ रहती थी। लॉकडाउन लगने के बावजूद भी लॉकडाउन का पालन करते हुए भी लोग रहते थे, लेकिन अब ये पूर्णतः ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। और लोग कितने जागरूक हो रहे हैं, आपके सामने में तस्वीरें हैं। ये रमज़ान की रोज़ा रखने के बाद शाम में इफ्तार कर रहे हैं और ये अकेले कर रहे हैं, लोगों से 30 फुट की दूरी बनाकर कर रहे हैं और लॉकडाउन को लेकर के कितनी सजग हैं कि ये मस्जिद के सामने में होते हुए लोगों को जाने से मना कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आज मुसलमान भाई भी समझ चुके हैं कि कोरोना मजहब देखकर नहीं आता है, लेकिन अब उन लोगों को भी समझने की ज़रूरत है जो इस पर किसी भी प्रकार की उन्माद फैलाना चाहते हैं। तस्वीरें साफ है, लोग समझ चुके हैं और लॉकडाउन का पालन मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में भी बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है। हम कहना चाहेंगे कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में
अन्य के तुलना में हमें पूर्णिया जिले में अधिक नज़र आ रहा है। अब हम आगे की तस्वीरों में आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने में ना घबराएं, आप भोजन की चिंता छोड़ दें। सरकार ने जिस समय यहाँ आप देख रहे थे तस्वीरों में या आप सुन रहे थे कि लोग अब पूर्णिया वाले क्या करेंगे, कोरोना की दस्तक हो चुकी है, वहीं FCI गोदाम पूर्णिया पूर्व बेलोरी में आप कह लें कि सैकड़ों गाड़ियां नज़र आ रही है, जिसका घूम घूम करके संवाददाता ने कवरेज ली। सैकड़ों गाड़ियों में अनाज से भरे पड़े हैं और ये FCI गोदाम की है। आप पूर्णिया की जनता समझ लें, ये अनाज आप ही के पास आना है। ये जो भी सरकारी प्रक्रिया से गुजरना है ये गुजर के आप ही के पास आएंगे। आप भोजन के लिए बिल्कुल ना घबराएं, हम ये बताना चाह रहे हैं। आप लॉकडाउन का पालन बिल्कुल एकदम कठिन से कठिन रूप में करें और अपने आप को घर में ही रखें। आप अपने भोजन की चिंता उतनी ना करें, ये ना सोचें कि सरकार कहां से खिलाएगी। सरकार ने आपको बैठा कर खिलाने का व्यवस्था कर ली है। पूर्णिया पुलिस हकीकत में धन्यवाद के पात्र हैं, जो कोरोना योद्धा के रूप में है, वहीं पूर्णिया प्रशासन भी धन्यवाद के पात्र हैं, जो आज भोजन की सैकड़ों गाड़ियाँ अनाज से भरे हुए गाड़ियां लाकर उस गोदाम में रखे जा रहे हैं, जहां से होकर राशन वितरण को जाना है और राशन डीलरों के पास जाना है और वहां से वितरण होना है। तो आप बिल्कुल ही ना घबराएं, यह जाम लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं बल्कि भोजन की व्यवस्था वाली ये लॉकडाउन में भीड़ की तस्वीरें हैं, ये गाड़ियों का भीड़ है। हम बताना चाहेंगे कि गाड़ी से गाड़ी को कोरोना नहीं फैलाता, इंसानों से इंसान को कोरोना फैलता है। इसीलिए गाड़ियों का आना बाहर आना जहां जरूरी है, वहीं इंसानों का अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट आंखों देखी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन में ऑल दबाएं।